हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप गूगल सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हो, जिससे कि गूगल आपके जो इंडेक्सिंग है और क्रॉलिंग है उसे आप जल्दी से करवा सकते हो। इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग या एसईओ के बेसिक्स की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और कोई ट्यूटोरियल आपको चाहिए होगा आप हमें कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्निकल पार्ट कि कैसे आप अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे जाके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इसमें हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि वहां पे एक HTML टैग लगाना आसान होता है। आप बेसिकली अगर कोई कस्टम बेस्ड वेबसाइट है, आप वहां पे किसी डेवलपर को भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाता हूँ सबसे पहले अपने स्क्रीन पर। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको गूगल सर्च कंसोल खोलना है, आप चाहे तो searchconsole.google.com कर सकते हो, नहीं तो क्या करोगे, गूगल सर्च कंसोल आप ऐसा टाइप कर दोगे, आपको गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट मिल जाएगी। ये देखिए, गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट आपको मिल गई है। क्या है? search.google.com, ये है इसकी एग्जैक्ट वेबसाइट। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड आ गया। अब गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे होता है डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। डोमेन प्रूफ में क्या होगा, आपके हर एक डोमेन ट्रैक होंगे। मान लो आपने सब डोमेन बना रखा है, जैसे google.com एक डोमेन है, google.com भी हो रहा है, जैसे search.google.com या tagmanager.google.com अलग अलग सब डोमेन्स है। तो डोमेन पे लगा, अगर आपने मान लो सर्च कंसोल को डोमेन पर आपने सबमिट कर दिया, तो सब डोमेन डायरेक्टरी सारे ही सारे इंडेक्स होंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो सिंपल एक वेबसाइट को सर्च कंसोल पे सबमिट मारना, तो आप जाओगे यूआरएल प्रीफिक्स की तरफ, जो कि मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं। इसको बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, इसलिए क्योंकि आप चाहते हो ना सबके अलग अलग, आप अलग अलग सबमिट करो। मान लो आपका सब डोमेन है, जैसे मैं अभी एक डोमेन को करने वाला हूँ, redefinedigitals.com, ये मेरा डोमेन है, ठीक है। एक मैंने बना रखा course.redefinedigitals.com, एक मैंने बना रखा students.redefinedigitals.com, अलग अलग मैंने सब डोमेन बना रखे। मैं आपको सिनेरियो लेके बता देता हूँ, स्टूडेंट्स डॉट मेरा डोमेन का नाम, जैसे ये रहा मेरा डोमेन का नाम, मैं ये मेरा डोमेन का नाम, एक मैंने बना रखा है एडमिशन डॉट ये। अब मेरे अलग अलग सब डोमेन्स हैं, तो अगर मैं मान लो इस पे सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना पूरा सिंपल डोमेन नेम डालता, तो मेरे हर एक चीज को वो करता, मतलब सिंपल डोमेन पे सबमिट कर देता, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, इसलिए हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, यूआरएल प्रीफिक्स की तरफ जाते हैं। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा। अब यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स में अपने जो भी आपके यूआरएल होगा वेबसाइट का, अगर सब डोमेन है, डायरेक्टरी जो भी है, उसको करेंगे पेस्ट कर दो आप यहाँ पे, स्लैश को हटा दो। अब यहाँ पे करना है कंटिन्यू। अब ये देखिए, ओनली यूआरएल अंडर एंटर्ड एड्रेस, ओनली यूआरएल अंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, मतलब अगर आपने मान लो HTTP पे, सिंपल HTTP पे सबमिट कर दी ना, तो सिर्फ ये HTTP वाले URL को क्या करेगा, इंडेक्स करेगा, HTTPS को नहीं करेगा। इसलिए प्रॉपर नाम होना चाहिए, मैं करूंगा HTTPS पे इसको सबमिट करूंगा, ठीक है, और कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद ये मुझे एक कोड देगा, उस कोड को मुझे जाके अपनी वेबसाइट पे लगाना है। कई तरीके हो सकते हैं, आप चाहो तो एक HTML फाइल को डाउनलोड करके आप अपने सी पैनल में अपलोड कर सकते हो, प्रॉपर इसकी डिटेल्स देख सकते हो, या फिर आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कर सकते हो। अगर आपका गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट से कनेक्टेड है, तो ये अपने आप डेटा फेच कर लेगा। टैग मैनेजर के थ्रू कर सकते हो, ये देखिए टैग मैनेजर के थ्रू कर सकते हो, मेरा ऑलरेडी है, मैं करने को कर सकता हूँ। मैं आपको लेकिन अलग तरीके दिखाऊंगा कि टैग मैनेजर से अपनी वेबसाइट को कैसे कनेक्ट करना है, ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको अलग तरीका बताऊंगा HTML टैग के थ्रू। ये देखिए HTML टैग के थ्रू ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि हेड टैग में इसे पेस्ट करो बिफोर द फर्स्ट बॉडी, मतलब कहना चाहता है हेड टैग क्लोज होने से पहले, ठीक है, उससे पहले इस टैग को करो पेस्ट। मैं इसको क्या करूंगा, HFCM कोड की मदद से, HFCM प्लगइन की मदद से अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करूंगा। HFCM क्या, कोड मैनेज करने के लिए एक प्लगइन है। मैंने इसके बारे में डिटेल ट्यूटोरियल HFCM के बारे में टैग मैनेजर वाली वीडियो में बता रखा है, वो प्रेफर कर सकते हो। एक प्लगइन आता है HFCM, अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है, अगर आपके पास कोई कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है, कस्टम वेबसाइट है, तो आप इस कोड को जाके डेवलपर को भेज सकते हो और आप उन्हें बोल सकते हो कि आप ये कोड अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में पेस्ट कर दे, तो वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक HFCM एक कोड एक प्लगइन आता है उसकी मदद से करूंगा। चाहो तो आप थीम फाइल एडिटर में जाके भी कर सकते हो, इसके बारे में मैंने डिटेल ट्यूटोरियल
नेट पे अवेलेबल, मतलब YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके टैग मैनेजर वाली वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे HFCM के थ्रू करूंगा क्योंकि मोस्टली लोग अपीयरेंस के अंडर जो थीम फाइल एडिटर है उसे नहीं समझ पाते, इसलिए मैं जाऊंगा हेडर कूटर फोर्ड मैनेजर की तरफ। ठीक है, तो मैं इसको करूंगा। अब मैं जैसे ही आप HFCM को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करोगे, आपके सामने साइड बार में HFCM का प्लगइन का या फिर आपका एक कह रहो साइड बार आ चुका होगा। यहाँ पे मैं करूंगा एड न्यू स्निपेट। एड न्यू स्निपेट करने के बाद आपको इस कोड को, ये जो कोड पेस्ट किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, आपको इसे यहाँ पे कर देना पेस्ट, सिंपल, कुछ नहीं करना, इन सब टैब्स को छेड़ना ही नहीं है क्योंकि आपको हेडर में लगाना है ये HTML, इसको भी नहीं छेड़ना, आपको सिंपल यहाँ लिख देना गूगल सर्च कंसोल, जो कि हमारे सर्च कंसोल को वेरीफाई करेगा ताकि हर एक चीज ऑर्गेनाइज हो, मैं इसलिए लिखना चाहता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं इस कोड को पेस्ट करूंगा, अब मैं करूंगा सेव। सेव जैसे ही मैं कर देता हूं, मेरे कोड पे, मेरे वेबसाइट पर, वर्डप्रेस वेबसाइट या वेबसाइट पर कोड फायर हो चुका है। ठीक है, टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इसे करूंगा वेरीफाई। जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, अगर मेरा कोड सक्सेसफुली फायर हो चुका है तो मेरे पास ऐसे नोटिफिकेशन आ जाएगी, ओनरशिप वेरीफाइड, मतलब HTML टैग के थ्रू वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब मैं गो टू प्रॉपर्टीज करूंगा, हमारे सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये देखिए, वही गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड होगा जो कि मोस्ट लोगों ने देखा ही होगा। इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे आप अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम और कोई ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे, और आपके अगर कोई और डाउट हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और कौन से ट्यूटोरियल्स आप चाहते हो। ओके।